हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुंडीज टेस्टफुल किचन। हमने यहाँ पर दो प्याज को बारीक काट लिया है, आधा चम्मच अजवाइन क्रश से हाथ से मसल के ले लिया है, आधा चम्मच जीरा है, 2 पिंच हींग है, थोड़ा नमक लिया है क्योंकि हम आज बनाने वाले हैं काले चने के परांठे। ये काले चने की सब्ज़ी हमारी बच गई थी तो हम इसको ना पहले हाथ से, जैसे मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ, फिर मैं मैश करके मिलूँगी। ऐसे हम ना इसको हाथ से ऐसे मैश कर लेंगे पूरा चनों को, ठीक है ना, पूरा मैश करेंगे। और फिर जो आटा है ना उतना ही हम डालते जाएंगे जितना इन चने में यूज़ होगा, और थोड़ा सा यूज़ करेंगे कटा हुआ धनिया। और ये देखिए चने को ना हमने अच्छे से मैश कर लिया है हाथ से, देख रहे हैं ना पास से, बिल्कुल अच्छे से चने जो है वो हाथ से मैश हो गए हैं। ऐसे हमने निकाल लिया है, कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, और अब हम इसमें ये प्याज, ये हींग सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी बची थी, सब्जी में सब मसाले थे, और अगर आप वैसे ही चने के बनाना चाहते हैं ना तो आप उबला चना बचा लीजिए, उबला चना ले लीजिए और उसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड करके आप ये परांठे बना सकते हैं, प्रोटीन रिच बन जाएंगे। इस तरह से हम ना थोड़ा थोड़ा आटा इसमें मिलाते रहेंगे और बिना पानी डाले हम इसको गूंथेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे एक बाउल चना था भर के, उसमें हम ये शायद ये हमारा लगेगा आटा। ये देखिए थोड़ा सा मैं और डालती हूँ और इसके बाद इसको अच्छे से गूंथ लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। पहले ना आप 2-3 बार अच्छे से मसल के देखें कि पानी डालने की जरूरत तो नहीं है। और ये देखिए आटा बिल्कुल ऐसे स्मूथ हो गया है। अब हम इसको ना थोड़ी देर ढककर रख देंगे और देखिए 15 मिनट हो गए हैं, आटा हमारा अच्छे से लग गया है। अब हम इसको एक बार और हल्के सा स्मूथ कर लेते हैं और फिर इसकी लोइयां तोड़ते हैं। जितना बड़ा आपको परांठा बनाना है उतनी बड़ी आप इसकी लोई तोड़ लें। इसकी रोटी भी आप बना सकते हैं। इसको पहले ऐसे फैलाएंगे जैसे मैं हमेशा पराठे बनाती हूँ। बेल लेंगे थोड़ा, देखिए स्मूथली बिल रहा है ना। तो सब्जी में सारे मसाले थे इसलिए हमें और कुछ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ी, चटपटी सब्जी थी। इसमें लगाएंगे अंदर थोड़ा सा घी, हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे, और ट्रायंगल बनाना है आप ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पर फिर से एक बार हल्का सा घी, या आप जिस भी शेप में पराठे बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं स्क्वायर बना लीजिए, चॉइस इज योर्स। और फिर सूखा आटा थोड़ा लगाएंगे और पराठे को इस तरह से बेल देंगे, आसानी से ये बिल जाता है। और डायबिटिक लोगों के लिए भी चना खाना अच्छा है तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। जितना पतला आप बनाना चाहें उतना पतला बना सकते हैं। पराठा बन गया है, अब हम इसको डालते हैं तवे पर। तवा पहले से ही हमने गर्म होना रख दिया है और ये देखिए थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर इसका परांठे का आता है क्योंकि ये चना इसमें डाला हुआ है। तो इसको एक तरफ से सिकने की इंतज़ार करते हैं, तब तक हम दूसरा परांठा बेल लेते हैं। सेम इसमें भी घी लगाएंगे, सूखा आटा डस्ट करेंगे इसके ऊपर, घी ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहें। और अब बेल लेंगे इसको, तब तक ये पराठा चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से पीछे से सिक गया है, स्लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें बनाना है। और ये हम बहुत ही थोड़ा सा, मतलब हमको तलना नहीं है, बहुत थोड़ा सा घी हम इसमें लगा रहे हैं। हल्की सी सर्दी शुरू हो गई है तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है,
जैसे ही इधर से सिक जाएगा हम इसको ऐसे डाल देंगे, पलट देंगे और दूसरी तरफ भी हम इसके घी लगाएंगे। घी का थोड़ा धुआं उड़ता है ये देखिए, क्योंकि हमने अंदर घी लगाया और सूखा आटा लगाया तो पराठा जो है वो फूल जाता है। इतनी सब सब्जियां डालने के बाद भी पराठा फूल गया है ना मजेदार। देखिए कितना बढ़िया ये सिक रहा है। चारों तरफ से कच्चा ना रहे हम इसको सेक लेंगे। पराठा चारों तरफ से अच्छे से सिक गया है, इसको हम निकाल लेंगे और दूसरा पराठा डाल देंगे, इसको भी सेक लेंगे दोनों तरफ से। और ये देखिए हमारा ये पराठा भी सिक गया है। आइए करते हैं प्लेटिंग। और ये देखिए ये यम्मी से क्रिस्पी से पराठे बनकर तैयार हैं। मैं आपको खोल कर दिखाऊं। सब्जी के बाद, सब्जी भरने के बाद ना पराठा बहुत कम फूलता है, पर अगर आप अच्छे से मैश करें उसको तो ये इस तरीके से क्रिस्पी पराठे बनकर तैयार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।